हाय गाइस, वेलकम टू स्टाइल एंड स्ट्राइक। और आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे फेवरेट हेयर सीरम के बारे में, जो कि है लॉरियल पेरिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल सीरम। तो आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, काफ़ी लग्जूरियस पैकेजिंग है। ग्लास बॉटल में ये आता है, बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है, बहुत ही लग्जूरियस पैकेजिंग है, काफ़ी ईजी टू यूज़ है, ट्रेवल फ्रेंडली है, एज आप इसे ले सकते हैं, पंप कर सकते हैं और अपने हैंड पे लेके अपने हेयर पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी टू यूज़ है। एंड ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेयर सीरम है, इसके अंदर 6 फ्लावर्स एक्सट्रैक्ट ऑयल डाले गए हैं और ये 6 रेयर ऑयल्स जो हैं, ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, शाइनी और फ्रीज फ्री बना देते हैं। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी रहते हैं और बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं आप धोने के बाद, तो आप ये वाला हेयर सीरम यूज़ कर सकते हैं। इसकी पैकेजिंग देखिए, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये जो हेयर सीरम है, ये वर्सिटाइल हेयर सीरम है, आप इसे वर्सिटाइल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स आपको चाहिए होती हैं और उससे आपके हेयर जो है बहुत ही ज़्यादा शाइनी, सुपर शाइनी हो जाते हैं, जैसे कि अभी आपको वीडियो में दिख रहा है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलते थे कि अपनी सिल्की शाइनी हेयर के बारे में बताइए। तो आप मेरे जो बाल देख रहे हैं, इस पर मैंने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया हुआ है, सिर्फ ये कलरिंग करवा रखी है, मतलब कि हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट नहीं करा रखा है। यस, मैंने हेयर स्ट्रेटनर ज़रूर यूज़ किया है, लेकिन जब मैं हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ तो उससे पहले मैं ये हेयर सीरम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये जो हेयर सीरम है ये 6 ऑयल से बना है, तो ये हमारे जो हेयर है उसको डैमेज करने से रोकता है, डैमेज नहीं होने देता है। अगर आप कोई भी स्टाइलिंग करते हैं, आप हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, कलर यूज़ करते हैं, या फिर आपके बाल कलर्ड हैं, आपने केमिकल्स यूज़ किए हैं बालों में, तो ये वाला सीरम आप ज़रूर यूज़ कीजिए, ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये आपके बालों को डैमेज होने से बचाता है। एंड अगर आपके बाल ह्यूमिडिटी में डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि बहुत गर्मी रहती है जहाँ आप रहते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उससे क्या होता है कि आपके बालों में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आ जाता है, डर्ट आ जाती है, डस्ट आ जाती है, ह्यूमिडिटी के कारण आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान हो जाते हैं, तो भी आप ये हेयर सीरम यूज़ कीजिए, आपके बाल बिल्कुल भी ड्राई, डल और डैमेज नहीं लगेंगे, बिल्कुल भी फ्रीजी नहीं होंगे एंड बिल्कुल भी आपके बाल टूटेंगे नहीं, मैनेजेबल रहेंगे, बिल्कुल सिल्की शाइनी, जैसे कि आप मेरे बाल देख रहे हैं। मैंने कलर करवाया हुआ है, तो मैं इसे रेगुलर तरीके से यूज़ करती हूँ, वॉश करने के बाद यूज़ करती हूँ। एंड इवन जब भी मुझे लगता है ना कि मेरे बाल बिल्कुल फ्रीजी हो रहे हैं और अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा नरिशमेंट चाहिए, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। ये है लॉरियल पेरिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल सीरम और ये ऑल हेयर टाइप्स है एंड इसका वर्सेटाइल यूज़ है और ये आपके हेयर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉइस्चर देता है और सॉफ्टनेस देता है, लग्जूरियस शाइन देता है, जो कि आपके बालों में नहीं रहती है, क्योंकि आप शैम्पूज़ यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो उसके बाद ये आप हेयर सीरम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल बिल्कुल भी फ्रीजी नहीं रहते हैं। तो इसके बैक पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे मेंशन है कि ये ऑल हेयर टाइप्स है और इसका वर्सेटाइल यूज़ है। ये आप 2-3 ड्रॉप्स लीजिए अपने हैंड्स पे और अपने बालों पे इसे लगा सकते हैं। तो आप इसे लगा सकते हैं बिफोर शैम्पू, बिफोर ड्राइंग, बिफोर स्टाइलिंग, एज अ फिनिशिंग टच अगर कोई भी हेयर स्टाइल बना रहे हैं, या फिर एज एन ओवरनाइट ट्रीटमेंट। तो डेली रूटीन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ, कोई भी हेयर स्टाइलिंग करनी होती है या फिर जब भी मुझे अपने बाल स्ट्रेट करने होते हैं, स्ट्रेटन करने होते हैं, तब मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो मैंने कोई भी हेयर स्ट्रेटनिंग या स्मूदिंग नहीं करवा रखी अपने बालों में, एक्चुअली मैं हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ, तो उससे पहले मैं ये सीरम यूज़ करती हूँ। एंड इसकी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ही ओरिएंटल है, क्योंकि ये जो है इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे इसमें डाले गए हैं, इसमें फ्लावर्स डाले गए हैं, फ्लावर्स एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं, जो कि 6 रेयर फ्लावर एक्सट्रैक्ट हैं और उनका ब्लेंड जो है उसके ब्लेंड से ये बनता है। तो ये एक्चुअली आपको 6 टाइम शाइन देता है आपके बालों पे, बहुत ही मैजिकल है, क्योंकि आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने हेयर स्टाइल करते हुए या फिर आपके बाल अगर डल हो गए हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, तो कैसे भी इसे आप यूज़ कीजिए, बहुत सारे इसके यूजेस हैं। और इसका प्राइस मैं अगर आपको बताऊं तो ये 100 ml की पैकेजिंग है, 499 रुपीज़ में आपको ये मिल जाता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, जहां से आप परचेज कर सकते हैं। सो मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ अपने हेयर वॉश के बाद। तो अभी आप मेरी बालों की कंडीशन देख सकते हैं, कितने ज़्यादा फ्रीजी हो रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा डल एंड ड्राई लग रहे हैं। तो अभी मैं इसे लगा रही हूँ, मैंने अभी 1 ड्रॉप ही लिया था और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे यूज़ करूँगी अपने बालों पे एंड पूरी लेंथ पे इसे मैं लगाऊँगी। स्कैल्प में आपको नहीं लगाना है, सिर्फ आपको हेयर पे लगाना है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कितनी ज़्यादा शाइन आ जाती है मेरे बालों में, कितने ज़्यादा सॉफ्ट एंड मैनेजेबल हो जाते हैं। अगर मैं इसे नहीं लगाती तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी लगते हैं, टेंगल्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा बालों में, जिसकी वजह से बाल टूटने लगते हैं। तो बालों का टूटना भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है इस हेयर सीरम की वजह से। एंड अभी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा शाइन आ रही है और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, चिपचिपा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ लगाया है। तो
बिल्कुल भी ऑयल वाली फीलिंग तो आएगी ही नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने कॉम किया है और कितनी ईजिली मेरी कॉम जो है मेरे बालों में चल रही है, और कितना ज़्यादा देखिए कितने ज़्यादा शाइनी लग रहे हैं मेरे बाल। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं जब मैं इसे लगा लेती हूँ। देखा किस तरह से हेयर वॉश करने के बाद मैं इसे यूज करती हूँ, और बिफोर एंड आफ्टर आप वीडियो में ही देख सकते हैं कि किस तरह से लग रहे थे मेरे बाल, और इसे यूज करने के बाद एकदम से शाइन आ गई, एकदम से मेरे बाल जो है बिल्कुल मैनेजेबल हो गए एंड कोई भी टेंगल नहीं रहा मेरे बालों में। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसे जब मैं हेयर स्ट्रेटनिंग करती हूँ तो उससे पहले यूज करती हूँ तो कितनी ज्यादा शाइन आ जाती है एकदम से। सो अभी मेरे बाल जो है थोड़े से स्ट्रेट मैंने कल किए थे, आज तो नहीं किए हैं, तो अभी मैं इन्हें पहले तो कॉम कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं इस हेयर सीरम को यूज़ करूँगी। तो आप लिटरली देखेंगे कि कितना अच्छा ये हेयर सीरम है। तो ये देखिए, तो मैं सिर्फ 2 ड्रॉप्स इसकी ले रही हूँ एंड इसे मैं रब करते हुए अपने लेंथ पे लगाऊंगी बालों की। सो ये आपके बालों को बिल्कुल भी रूखा नहीं रहने देता। इवन मैं ये जो मेरे स्प्लिट एंड्स नहीं होते हैं इससे ना, तो एंड्स पे ज़रूर लगाइए। सो आफ्टर यूजिंग हेयर सीरम ये आपके बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता है। सो देखिए, हेयर सीरम की वजह से मेरे बालों में शाइन आ रही है। अदरवाइज अगर मैं बिल्कुल ऐसे ड्राई और डल बालों में, रफ बालों में इस स्ट्रेटनर को यूज़ करूँगी तो बिल्कुल भी शाइन नहीं आएगी बालों में और डैमेज तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे मेरे बाल। तो इसीलिए कभी भी आप अपने बालों को डायरेक्ट हेयर स्ट्रेटनर, बालों पे डायरेक्ट हेयर स्ट्रेटनर मत यूज़ कीजिए, हमेशा सीरम यूज़ कीजिए। और ये वाला सीरम तो बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें 6 फ्लावर्स का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, 6 फ्लावर्स का ऑयल डाला गया है जो कि आपके बालों को डैमेज होने से बचाता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा शाइन आ रही है मेरे बालों में, और वो सीरम की वजह से ही है। सो ये देखिए, सो अब मैं हीट अगर टूल यूज़ करती हूँ तो मेरे बालों को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हीट टूल अगर मैं ड्राई बालों पे करूंगी तो वो खराब करेगा, बट हेयर सीरम के ऊपर करूंगी तो वो बिल्कुल भी मेरे बालों को डैमेज नहीं करता है। सो अभी आप देखिए, सो कितना ज्यादा शाइन आ रही है, और ऐसे ही मैं नीचे के लेंथ पे करूंगी। सो ये बहुत ज्यादा शाइनी हो चुके हैं मेरे बाल। सो मैं पूरे अच्छे से कर लूंगी। सो आपको जो ये मेरे बाल शाइनी नज़र आ रहे हैं, स्मूथ नज़र आ रहे हैं स्ट्रेटनिंग के बाद, ये इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम की वजह से हैं। तो मैं स्ट्रेटनिंग करने से पहले इसे ज़रूर यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे जो बाल हैं वो डैमेज नहीं होते हैं, हीट प्रोटेक्टेंट है ये एक तरह का। तो इसे ज़रूर यूज़ कीजिए एंड आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा शाइन आ रही है। और कोई भी हेयर स्टाइल करने के बाद इसे थोड़ा सा यूज़ कर लीजिए, आपके बालों को ये बिल्कुल परफेक्ट बना देता है। तो ये देखिए, शाइन एंड स्मूथ बहुत ज़्यादा लग रहे हैं एंड अभी आप देखिए, ये देखिए कितनी ज़्यादा शाइन आ रही है। और ये मैं यूज़ करती हूँ जनरली शैम्पू करने के बाद। तो शैम्पू करने के बाद जब मैं यूज़ करती हूँ, थोड़े से मेरे हेयर वेट होते हैं, बिल्कुल वेट भी नहीं होते हैं, बिल्कुल ड्राई भी नहीं होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और सूखे बालों पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो जैसे भी आप यूज़ करना चाहें आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं यूज़ करने के। ओवरनाइट इसे ट्रीटमेंट की तरह यूज़ कीजिए, बालों पर लगा के छोड़ दीजिए, रात को थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में आप बालों में लगा के छोड़ दीजिए, तो सुबह जब आप शैम्पू करेंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा मैनेजेबल, बहुत ज्यादा स्मूथ और शाइनी आपको मिलेंगे। हीटिंग टूल से प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ये आपको सन रेस से भी प्रोटेक्ट करता है, आपके बालों को सन रेस से बचाता है, आपके बालों की नमी नहीं खोने देता है। तो अगर आप ये यूज करके निकलेंगे तो पोल्यूशन, सन रेस कुछ भी आपके बालों को डैमेज नहीं कर पाता है। इवन ह्यूमिडिटी में भी अगर आप ये यूज करते हैं तो आपके बाल सिल्की, शाइनी, स्मूथ रहते हैं, डल नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो अगर आपके वहां पे आपके सिटी में वेदर बहुत ह्यूमिड है, पसीने वाला है और बहुत ज्यादा चिपचिपी गर्मी रहती है, तो आप
इसे यूज कीजिए, आपके बाल हमेशा शाइनी रहेंगे, स्मूथ रहेंगे, डल बिल्कुल भी नहीं होंगे। एंड इवन अगर विंटर्स हैं, ठंड रहती है और ड्राई हो जाते हैं बाल, तो भी आप इसे यूज कीजिए, आपके बाल बहुत ज्यादा स्मूथ रहेंगे, शाइनी रहेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। और हेयर स्टाइलिंग के वक्त आप इसे यूज कर सकते हैं फिनिशिंग टच देने के लिए, तो ये बहुत ही परफेक्ट आपको आपके बालों को बना देगा। एंड मुझे ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहा है, जब से इसे मैं यूज कर रही हूँ मेरे बाल बहुत ज्यादा मैनेजेबल हो गए हैं, और मैं शैम्पू के बाद इसे यूज करती ही करती हूँ, अगर मैं इसे यूज नहीं करती हूँ तो मेरे बाल बहुत ज्यादा उड़े उड़े से नजर आते हैं मुझे, क्योंकि बाल जो है बहुत ज्यादा फ्रीजी हो जाते हैं शैम्पू के बाद। तो फ्रीजीनेस को खत्म करने के लिए मैं इसे जरूर यूज करती हूँ। एंड इवन मैं डे में इसे 2 बार यूज कर लेती हूँ, रात को भी यूज कर लेती हूँ कई बार सोने से पहले। तो और एक बात, जब मैं इसे डे में लगाती हूँ एंड रात को देखती हूँ अपने बाल, तो वैसे के वैसे मेरे बाल होते हैं, बिल्कुल शाइनी स्मूथ एंड बिल्कुल मैनेजेबल मेरे बाल रहते हैं। तो ये काफी घंटे तक लगा रहता है आपके बालों में, वैसे के वैसा रहता है आपके बाल। इवन मुझे ये लगता है कि अगले दिन भी मैं जब अपने बाल देखती हूँ तो वो मैनेजेबल ही होते हैं। तो शैम्पू के बाद एक बार मैं यूज कर लेती हूँ, उसके बाद मेरे बाल जब तक मैं दोबारा शैम्पू करती हूँ तब तक वैसे के वैसे रहते हैं। एंड हेयर स्टाइलिंग करने से पहले भी मैं यूज कर लेती हूँ, इवन कई बार मैं ओवरनाइट भी इसे रख लेती हूँ, तो काफी यूज आ रहा है ये मेरा, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा मैं यूज भी कर चुकी हूँ इसे। सो अगर आपको भी ये परचेस करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप परचेस कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही अच्छा सीरम है, अभी तक जितने भी मैंने सीरम यूज किए हैं मुझे सबसे अच्छा ये सीरम लगा है, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, ऑयल्स के ब्लेंड हैं, वो आपके बालों को बहुत ही अच्छा बना देते हैं। एंड इवन बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होने देते हैं, बिल्कुल भी ऑयल की तरह फील नहीं होने देते हैं, एंड इट्स परफेक्ट। तो ये आप जरूर खरीदिए, मेरी मानिए तो बहुत ही परफेक्ट रहेगा, कर्ली बालों के लिए भी, स्ट्रेट बालों के लिए भी, वेवी बालों के लिए भी, तो सभी इसे यूज कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो गाइज, आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।